तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो पे। मैं हूं आपका दोस्त ग्रेविल जसानी और आप देख रहे हैं ग्रेविल आर्ट वर्ल्ड। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं द रॉक की ड्राइंग बनाने वाला हूं, जो कि पेंसिल की मदद से, और पेंसिल में ये यूज़ करने वाला हूं ओनली वन मैकेनिकल पेंसिल। आप देख सकते हैं जिसका अनबॉक्सिंग वीडियो भी मैंने बना रखा है, जो कि सिर्फ 15 रुपीज़ की पेंसिल है ये मैकेनिकल पेंसिल। तो इसी की मदद से मैं पूरी ड्राइंग बनाने वाला हूँ, शेडिंग करने वाला हूँ। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, देख सकते हो आप यहाँ पे मैं इस मैकेनिकल पेंसिल में 2B की लीड यूज़ कर रहा हूँ, जो कि फेबर कैस्टल की, जो कि मेरे पास पड़ी थी उसका यूज़ कर रहा हूँ। 2B की लीड है इसमें, इस पेंसिल के अंदर। उसकी मदद से मैं डार्क और लाइट कर रहा हूँ, और जहाँ आइस वगैरह में डार्क एरिया से, वहाँ मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर का यूज़ करके दे रहा हूँ। लेकिन उतना ज़्यादा प्रेशर हमें नहीं देना पड़ता, क्योंकि मैकेनिकल पेंसिल की मदद से थोड़ा प्रेशर देने पर भी बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है। इसलिए मैं इसे बहुत पीछे से पकड़ के बहुत ही लाइट लाइट शेडिंग कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं, वरना इसकी मदद से बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है। और इसमें मैं सिर्फ शेडिंग ही करने वाला हूँ, तो ये बहुत ही मज़ेदार वीडियो होने वाला है फ्रेंड्स, तो एंड तक ज़रूर देखेगा। अब देख सकते हैं मैंने दोनों आईज को कम्प्लीट कर दिया है शेडिंग, और फ्रेंड्स इसमें मैं ब्लेंडिंग बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूँ। तो देखते हैं, मैं ऐसा फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, ओनली शेडिंग से पूरी ड्राइंग बनाने वाला हूँ, तो देखते हैं कैसे रिजल्ट्स आते हैं एंड में। और यह पिक की आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, ये जो मैंने पिक्चर यूज़ की है ड्राइंग के लिए, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी आप ड्राइंग देख सकते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे आर्ट रिलेटेड वीडियोस लाते रहता हूँ।
तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारी ड्राइंग लगभग कंप्लीट होने आई है। तो देख सकते हैं बन चुकी है, ओनली शेडिंग हो चुकी है। तो देखिए कुछ इस तरीके की लग रही है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।